सो है इज़ वेलकम बैक टू फ्लाइंग कैनेडा तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे तो आज का वीडियो आप, आपको पता चल ही गया होगा किस टॉपिक पे है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा टॉपिक तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऑन कैंपस के रिगार्डिंग तो एक्चुअली मुझे भी दो साल बाद पता चला था जब मेरी स्टडी कम्प्लीट हुई थी तब मुझे पता चला था कि ऑन कैंपस जॉब की बेनिफिट्स क्या क्या हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन एलिजिबल है तो ऑन कैंपस जॉब की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए उसके साथ ही आपके पास स्टडी परमिट और स्टडी परमिट के साथ वहाँ पर मेंशन किया होना चाहिए ऑन कैंपस और ऑफ़ कैंपस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो मतलब आप दोनों कर सकते हो चाहे ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो तो आपका कोर्स चाहे कोई भी हो चाहे एक साल का है या दो साल का या तीन साल का बस तो आपको फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए इसके बाद आता है आप ऑन कैंपस में कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं और क्या, क्या क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले बात ऑन ऑन कैम्पस में ये आता है कि ऑन कैंपस मतलब कि विद इन द कैंपस कोई भी जॉब हो उसमें चाहे वो कॉलेज के अंदर ना था हो मतलब कॉलेज के पावर uh, में ना हो चाहे वो कोई प्राइवेट बिजनेस uh, हो कॉलेज के अंदर तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपका खुद का बिज़नेस है कोई भी जैसे कैफेट एरिया में हो गया तो वो आप वहाँ पे अपना खुद कर सकते हैं इसमें जो ही नहीं है कि जो जो अब इम्प्लॉय है आपका वो कॉलेज ही होगा कॉलेज के अलावा कोई भी हो सकता है बस वो विद इन कैंपस में होना चाहिए और तो इसके साथ साथ अगर आपका एक सिटी में दो कैंपस है सेम कॉलेज के दो कैंपस हैं तो आप दोनों में से किसी में भी जॉब कर सकते हैं ऑन कैंपस ही वो होगा तो अगर आपके कॉलेज में आ, नहीं मिला है जॉब तो आप दूसरे कॉलेज दूसरे कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं विद इन द सिटी होना चाहिए तो इसमें यह आ जाता है जैसे कितने कॉलेज में जिम्स होते हैं स्पोर्ट्स सेंटर होते हैं उसके साथ कैफेटेरिया होता है तो कई कई चीज़ें होती हैं जो कॉलेज के अंडर नहीं होती लेकिन वो विद इन द कैम्पस होता है तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि वो ऑफ कैंपस होगा वो ऑन कैंपस ही होगा वो जो आवर्स हैं वो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं ऑन कैंपस में इसकी कोई स्ट्रिक्शंस नहीं है कहीं पे भी इवन की सी आई सी वेबसाइट पर भी मैंशन किया हुआ है कि ऑन कैंपस में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आप जितने मर्जी आवर्स कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके इंप्लॉय पे और कॉलेज पे कि वो कितने आपको आवर्स प्रोवाइड करते हैं तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है ऑन कैंपस का कि आप न, आ, मतलब कि 20 प्लस आवर्स कर सकते हैं 20 आवर्स ऑन कैप ऑफ कैंपस का होता है स्ट्रिक्शन है ऑफ़ कैंपस की कि अगर आप ऑफ कैंपस जॉब करते हो तो सिर्फ 20 आवर्स ही कर सकते हो लेकिन ऑन कैंपस का फ़ायदा यही है कि आप जितने मर्जी आवर्स कर सकते हो तो जो फ़ीस देने का एक बर्डन होता है वो आपसे कम हो जाता है जिसके अगर आपको वीकली ट्वेंटी फाइव आवर्स मिलते हैं तो वो फ़ीस आपकी ईजिली इकट्ठी हो जाती है ताकि आपको बाद में ज़्यादा पैसा नहीं होता आप पे इसके साथ ही मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा वेबसाइट का जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पे वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ऑन कैंपस जॉब के आवर्स की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आप जितने मर्जी कर सकते हो डिपेंड करता है आपका कॉलेज या इम्प्लॉय कितना प्रोवाइड करता है तो अब आता है आप ऑन कैंपस कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप ऑन कैंपस जैसे कि आपके कॉलेज का अगर दो कैंपस है कि अगर सेम सिटी में आपके कॉलेज के दो कैंपस हैं तो आप दोनों में से किसी में भी जॉब कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपका स्कूल का कॉलेज का अगर कोई रिसर्च सेंटर है या कोई लाइब्रेरी है जो कि कॉलेज से बाहर है आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं वो भी ऑन कैंपस जॉब कहलाता है आउटसाइड द कैंपस होगा लेकिन वो ऑन कैंपस जॉब होगा इसके बाद आता है आप किसके लिए काम कर सकते हैं यहाँ पे ऑन कैंपस जैसे कि आपका कॉलेज हो गया आप कॉलेज के लिए काम कर सकते हैं कोई भी जैसे प्राइवेट बिजनेस हो गया कई कैफेटेरिया होते हैं या कोई स्पोर्ट्स सेंटर हो गया जिम भी होते हैं कॉलेज में कई ऐसे ए आप वहाँ पे ट्रेनर काम कर सकते हैं कैफेटेरिया में काम कर सकते हैं उसके साथ आप टीए का भी जो टीचर असिस्टेंट होता है वो भी काम कर सकते हैं आप किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं जो कि कैंपस में होना चाहिए इसके अलावा कोई भी प्राइवेट बिजनेस हो गया चाहे आपका खुद का बिज़नेस है तो जो सी वेबसाइट पर मेंशन किया में हुआ है कि आवर्स का क्या रिस्ट्रिक्शंस है तो, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जितना आप चाहते हैं उतने आवर्स आप काम कर सकते हैं ऑन कैंपस इसके बाद आता है कि कौन ऑन कैंपस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है तो सबसे पहले अगर आपका कॉलेज स्टार्ट होता है स्टार्ट होने से पहले आप ऑन कैंपस जॉब नहीं कर सकते हैं इवन कि कोई भी ऑफ कैंपस जॉब भी आप नहीं कर सकते हैं जब तक आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं होता उसके बाद आता है कि अगर आपकी स्टडी ख़त्म हो चुकी है अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हो तो वो भी आप ऑन कैंपस जॉब में नहीं आता तो सीधा पॉइंट यही है कि अगर आप ऑन कैंपस जॉब करते हैं तो उसमें आव, आपको और इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी दिन कैंपस आप किसी के लिए भी काम कर सकते हो चाहे वो कॉलेज है चाहे वो कोई फैकल्टी मेंबर है चाहे वो टीचर असिस्टेंट की जॉब होगी उसके बाद आपका कोई भी प्राइवेट बिजनेस हो गया चाहे आपका है या किसी और का है विद इन द कैंपस कैम्पस जो कैंपस के आउटसाइड है वो अगर कॉलेज के रिलेटेड है जैसे कोई रिसर्च सेंटर हो गया कोई लाइब्रेरी हो गई तो आप वहाँ पे भी काम करते हैं तो वो ऑन कैंपस जॉब ही कहलाएगा तो अब स्टार्ट करते हैं ऑफ़ कैंपस ऑफ कैंपस आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉय के लिए बस उसमें ये होता है कि आपको आवर्स की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सिर्फ आप ट्वेंटी आवर्स कर सकते हो उसके बाद ट्वेंटी से ज़्यादा कब कर सकते हो जब आपका सेमेस्टर ख़त्म होता है या एडिंग वीक्स आते हैं एक दो हफ्ता मिलता है कॉलेज आपको मतलब एडिंग देने के लिए तो तब ऑफ होता है तब आप जॉब कर सकते हो मतलब ये है कि जब आपका कॉलेज स्टार्ट है जब आपका कॉलेज रनिंग है क्लासेस रनिंग है तो उसमें आप 20 से ज़्यादा आवर्स नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका कॉलेज सेमेस्टर ख़त्म नहीं होता और तब तक आप 20 आवर्स से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे उसके बाद आप ट्वेंटी से ज़्यादा कब कहते हैं जब कोई अकेडमिक ब्रेक होता है जैसे कि आपका सेकेंड सेमेस्टर खत्म हुआ उसके बाद आपके चार महीने का वेकेशन है तो उस चार महीने में आप जितने मर्जी आवर्स कर सकते हैं मैंने खुद सिक्सटी प्लस आवर्स किए थे और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ पर भी उन लोगों ने कोई मैंशन नहीं किया कि कितने आवर्स कहना हैं वहाँ पर सिर्फ फुल टाइम मेंशन किया हुआ है और फुल टाइम मींस कि आप मतलब एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम जितने मर्जी जॉब कर सकते हो वो सिक्सटी आवर्स आप इजीली कर सकते हो तो ऑन कैंपस जॉब करने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपका जो फीस है सेमेस्टर का जो नेक्स्ट देना होगा आपका ईजिली उससे निकल जाता है आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ही होता घर से मंगाने का भी कोई इतना पैसा नहीं होता आप अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन है जो वो आप ईजिली सुधार सकते हैं मतलब आपके ऊपर ज्यादा पैसा ही आएगा अगर आप ऑन कैंपस जॉब करते हैं तो और ऑफ कैंपस का भी कुछ खास दिक्कत नहीं होता अनटिल और एनल आपको उसी टाइम जॉब ना मिल जाए विद इन वन और टू मंथ में अगर आपको जॉब मिल जाता है कैनाडा आने के बाद तो आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगा कॉलेज का फ़ीस पे करने के लिए मैंने खुद ऑफ कैंपस जॉब किया दो साल तक उसके बाद जो मैंने वेकेशन का टाइम किया था एकेडमिक ब्रेक था मैंने सिक्सटी प्लस आवर्स किए थे तो मैंने ईजिली अपने कॉलेज का जितने भी सेमेस्टर हैं मैंने खुद पे किए हैं मैंने घर वालों से नहीं मंगाए कुछ खास मुझे दिक्कत भी नहीं हुआ क्योंकि जब मैंने सिक्सटी आवर्स किए थे तब ईज़िली थर्ड फोर्थ सेमेस्टर मैंने उसी टाइम दे दिया था जो लग जाता है यहाँ पे आने के बाद विद इन वन और टू मंथ्स में तो आप जी आई सी ईजिली सेव कर सकते हैं और वो जी आई सी थर्ड सेमेस्टर का आपका फीस निकल जाए जो वोकेशन के टाइम आप इजीली फोर्थ सेमेस्टर का निकाल सकते हैं और जो सबसे मेन है वो आपका सिन नंबर है आपको कहीं पे भी कैनाडा में काम करने के लिए चाहे ऑन कैंपस या ऑन ऑफ कैंपस किसी भी एम्प्लॉय के पास काम करने के लिए आपके पास सिन नंबर जो भी होना चाहिए yeah. तो आई होप कि आप लोगों को ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस जॉब का जो डिफरेंस है वो ऊपर से चल गया होगा कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल है वैसे तो हो आप सबसे पहले ऑन कैंपस के लिए जाओगे आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है अगर नहीं मिलता तब तक आप ऑफ कैंपस का कंटिन्यू एक और साथ ही साथ आप ऑन कैंपस के लिए ट्राई करते हो जब आपको ऑन कैंपस जॉब मिल जाता है तो आप ऑन कैंपस ऑफ़ कैंपस छोड़ सकते हो तो ऑन कैम्पस जॉब करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका एक कनेक्शन बनता है कॉलेज के कॉल इसके अंदर जो आपका कनेक्शन एक नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है तो अगर आपको फिर भी कोई uh, आउस के एक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं मैं रिप्लाई कर दूंगा जितना जल्दी हो सके सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा तो चलिए uh, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू सो मच so मिलते हैं एक नए वीडियो में